दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले माय फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों आज हम Adobe Photoshop CC 2018 के इमेज एडिटिंग का जो पार्ट है उसमें हम ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के बारे में सीखेंगे। यहां से हम एक इमेज ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने एक इमेज ओपन कर ली, इसको हम एक नाम देते हैं ओरिजिनल। ओरिजिनल और इसका हम दूसरा लेयर बना के रखते हैं, इसको नाम देंगे मैनुअल। मैनुअल तो दोस्तों अभी हम ओरिजिनल फाइल को डिसेबल करते हैं और मैनुअल पे हम अभी काम करेंगे। यहां से आपको Adobe Photoshop CC 2018 का जो वर्कस्पेस है इसमें आपको फाइल से लेके हेल्प तक जो मेनू बार है उसमें आपको इमेज में जाना है। यहां से एक मेनू ओपन हो जाएगा ड्रॉप डाउन का, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में भी एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाएगा और यहां से आपको ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन लेना है। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट की दोनों वैल्यू जीरो है और यहां पे आपको प्रीव्यू ऑन करना है जिससे कि जो भी बदलाव हम करेंगे वो आपको दिखाई दे सके। तो यहाँ पे हम ब्राइटनेस का वैल्यू राइट की तरफ बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारा सिग बार है इसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं जितना ब्राइट एरिया है वो ब्राइट होते जा रहा है और उसी कर्सर को हम लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो जो ब्राइटनेस वाला हिस्सा है वो डार्क होता जा रहा है, काला होता जा रहा है। तो इसको अभी हम जीरो करेंगे। दूसरा है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या करता है कि आपके इमेज में जो भी डिटेल्स है, जो भी शैडो है वो उसे डार्क करने का या फिर उसमें डिटेल भरने के काम करता है। तो कॉन्ट्रास्ट को हम राइट की तरफ लेके जाएंगे तो जो डार्क हिस्सा है वो और ज्यादा से ज्यादा डार्क होता जाएगा और जैसे हम इसे लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो जो शैडो वाला, जो डिटेल वाला हिस्सा है वो थोड़ा उभरने लगेगा या फिर उसको उसमें ब्राइटनेस आने लगेगा। तो ये दोनों ही अलग अलग टाइप के मेनू है। तो यहाँ पे हम जीरो करेंगे और अपने हिसाब से एक वैल्यू सेट करेंगे। हम यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाते हैं अपने इमेज के हिसाब से। यहाँ पे मैंने इसका वैल्यू रख दिया है 45 और यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट को सेट करेंगे 40 को, यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओरिजिनल फाइल और जब हमने ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद क्या असर पड़ा है आप देख सकते हैं। देखो जैसे जैसे कि हमने ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते ही हमारा जो इमेज है वो थोड़ा एक्टिव दिखने लगा है, इसमें फ्रेशनेस आपको दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से, इस तरह से आप इमेज में मैनुअली ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे मैनुअल का जो लेयर है इसको हम डिसेबल करेंगे और ओरिजिनल का और एक लेयर बनाएंगे और इसको हम नाम देंगे ऑटो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। हम इसको जो फोटोशॉप का जो मेनू बार है उसमें से एडजस्टमेंट ब्राइटनेस को ओपन करेंगे। यहां से आप दोनों वैल्यू जीरो रखेंगे और यहां से आपको आप यहां पे ऑटो का बटन दबाएंगे तो देखो इस फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली इमेज के अनुसार अपना वैल्यू सेट कर लिया है। ऑटो के हिसाब से ब्राइटनेस 30 का वैल्यू सेट किया है और कॉन्ट्रास्ट 9 सेट किया है। यहाँ पे हम ओके करेंगे और जो ओरिजिनल था और जो अभी मॉडिफाई हुआ उसे हम चेक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ओरिजिनल फाइल पहले ऐसी थी, फिर हमने ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद मैनुअल करने के बाद
इस तरह से आपकी इमेज दिख रही है, तो आप अपने हिसाब से अगर आप चाहे तो उस इमेज को ऑटो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से मैनुअल काम करके भी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट आपको मेनू बार के इमेज में जाके एडजस्टमेंट में यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आपका जो लेयर पैनल है उसके यहाँ पे जो एक ऑप्शन है एडजस्टमेंट लेयर का, इसमें से भी आप एडजस्टमेंट लेयर ले सकते हैं ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट की। और यहाँ पे एक शॉर्टकट दिया है फोटोशॉप ने एडजस्टमेंट करके, तो आप यहाँ से भी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं ऑटो टोन के तरफ। यहाँ पे हम ऑटो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को डिजेबल करेंगे। ओरिजिनल का हम और एक इमेज बनाएंगे और एक लेयर बनाएंगे, इसको हम नाम देंगे ऑटो टोन। तो अभी आप देख सकते हैं ओरिजिनल का ही हमने डुप्लीकेट बनाया है और ऑटो टोन को हमने लेयर को सेलेक्ट किया है। और अभी हम इमेज में जाएंगे, यहाँ पे ऑटो टोन आपको दिखाई दे रहा है, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल एन। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके इमेज में ऑटोमेटिक टोनिंग एडजस्ट हो जाएंगे। तो उसमें क्या एक्चुअली क्या फर्क पड़ा है ये देखने के लिए हम इसको बिफोर आफ्टर, तो इसमें थोड़ा सा एक ब्लू टोन ऐड हो गया है, तो हमारे हिसाब से ये सही तरीका नहीं है इमेज में करेक्शन करने के लिए। लेकिन आप अगर कोई कोई इमेज ऐसे रहते कि जिसमें ऑटो टोन चल जाता है, लेकिन इस इमेज में ज्यादातर ब्लू टोन ऐड हो गई है। अभी हम चलते हैं ऑटो कॉन्ट्रास्ट की तरफ, जो खाली इमेज में कॉन्ट्रास्ट ही सेट करेगा। तो यहाँ पे हम इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और इसको नाम देंगे ऑटो कॉन्ट्रास्ट। ऑटो कॉन्ट्रास्ट को सेट करने के लिए आपको इमेज को आपको ओपन करना है और यहाँ पे ऑटो टोन के नीचे ऑटो कॉन्ट्रास्ट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिसका शॉर्टकट है अल्ट शिफ्ट कंट्रोल। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे आपके इमेज में ऑटो कॉन्ट्रास्ट ऐड हो जाएगा। इसको देखने के लिए बिफोर आफ्टर, तो इस तरह से आप ऑटो कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और एक लेयर बनाएंगे हम, इसको नाम देंगे ऑटो कलर। ऑटोमेटिक कलर सेट करने के लिए आपको मेनू बार में इमेज में ऑटो कलर का एक ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल बी। आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके इमेज में जितने भी कलर है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। तो इसका हम बिफोर और आफ्टर देख लेते हैं। तो यहाँ से आप ऑटो कलर ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबाओ, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों तक तो सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।